क्या फायदे हो सकते हैं इस स्ट्रेस टेस्ट के, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि अगर एम्फी ने म्यूचुअल फंड कंपनीज को बोला है सेबी के निर्देश पर कि आप जोखिम की जानकारी दें फंड की, तो एक निवेशक का फायदा क्या है इसमें? नमस्कार स्वाति, इनफैक्ट इसमें सिर्फ निवेशक का नहीं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, रेगुलेटर का, ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, हर 15 दिन में अब ये लोग करेंगे इस चीज को। अभी एक रुझान जो होकर रहा था स्वाति, जैसे जनवरी में कोई लगभग हमारी पहले भी बात हुई है, कोई 36 लाख नए फोलियोज खुले हैं ओपन एंडेड स्कीम में, जिसमें से 9.8 लाख फोलियोज लगभग खुले हैं आपके स्मॉल कैप में, 5.6 लाख खुले हैं मिड कैप में। सो बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस 3 साल की दोनों कैप्स में बहुत अच्छी रही है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो सारे इसी सेक्टर में, इसी कैप्स में आ रहे हैं, जो एक वरीसम बात है, क्योंकि रिटर्न एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको आना चाहिए। स्मॉल कैप या मिड कैप उन गोल्स के साथ आपके लिंक होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 10 साल के प्लस वाले गोल्स हैं। अभी क्या हुआ, आप देखिए जनवरी में जो लोग आए हैं वो 2 महीने में आप देखिए रिटर्न ऑब्वियसली थोड़े नेगेटिव होंगे मार्क टू मार्केट, बट ये पैरामीटर इसलिए जरूरी है आज की डेट में कि कल को कि कोई मेजर रिडम्पशन अगर आ जाए तो कल को आपका पैसा जो है वो पर्याप्त समय में आपको मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा। आज निवेशक ये चीज समझ रहा होगा या आने वाले टाइम में जो जितना और ट्रांसपेरेंसी इसमें बढ़ेगी समझेगा कि पर्पस इन्वेस्टिंग का आपका इन्फ्लेशन बीटिंग एक वेल्थ क्रिएट करना है, दैट्स द मेन पर्पस। और वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हो सकती है, जहां पे आप मल्टी कैप फंड, इंडेक्स फंड, साथ में लेट्स से फ्लेक्सी कैप फंड, लार्जर मिड कैप फंड, और फिर 10-20% मिड और स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। देखिए आप जब लार्ज एंड मिड कैप या फिर मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड भी लेते हैं, उसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन मिलता है। हम नॉर्मली जब अपना अपना एलोकेशन देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हमने स्मॉल और मिड कैप कितना दे रखा है, वो क्राइटेरिया सही नहीं है, आप ओवरऑल बास्केट में देखिए। तो मुझे तो ये स्ट्रेस जो टेस्ट के रिजल्ट आए हैं, इनफैक्ट अगर आप होल्डिंग्स भी देखोगे जितने बड़े बड़े फंड हैं उसमें किसी फंड में 200 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, सो फंड मैनेजर अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है, बट यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए जागरूक होने की जरूरत है कि दैट आप उतनी ही एलोकेशन इस पार्ट में दीजिए जो लॉन्ग टर्म तक आपको जिसकी जरूरत नहीं है। 5-10 साल का अगर व्यू आपका है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तो आप मल्टी कैप या लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ द फंड में जाएं, और 10-year+ वाले में ही आप कोशिश करें कि आप स्मॉल और मिड कैप गोल्स को फंड को गोल्स के साथ ओरिएंट करें। सो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल इंडिकेशन है जो आप हर 15 days में आएगा कि आपका जो रिडम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो कितने दिन में आपका पैसा रिडीम हो सकता है। हैविंग सेड दैट, इसमें मैं एक लास्ट इस प्रश्न का यह उत्तर दूंगा दैट स्ट्रेस टेस्ट जिस तरह के कॉर्पस हैं उस हिसाब से काफी हद तक चीजें इन लाइन है, पर डायरेक्शनली आगे आने वाले टाइम में ये चीज क्लियर करेगा कि दैट हाँ कितना एलोकेशन एक इंडिविजुअल को इन कैटेगरीज में जाना चाहिए।